इंसानी तारीख में ऐसे बहुत सारे वाकयात मिलते हैं जिसमें इंसानी आँख की वजह से बहुत सारे मनफी असरात देखे गए हैं। आँख की कुव्वत की अगर बात की जाए तो आँख की कुव्वत तो इस हद तक है कि पल भर के अंदर अंदर ज़मीन से आसमान तक का सफ़र तय कर लेती है, और जब इसी नज़र में शैतानी असरात मिल जाएँ तो यह आम नज़र नज़रबद बन जाती है। नज़रबद तीन तरह से लगती है, एक हसरत की नज़रबद, दो हसद की नज़रबद और तीन ताजुब की नज़रबद। और याद रखें, ताजुब की नज़रबद किसी नेक और अच्छे इंसान की भी लग सकती है, बच्चे को अपने माँ बाप की भी लग सकती है, यहाँ तक कि एक अंधे इंसान की भी नज़रबद लग सकती है। याद रखें, नज़रबद किसी भी इंसान की ज़िंदगी में नाकामी नुकसानात ला सकती है। वो नुकसानात उसके रिश्ते के लिहाज से भी हो सकते हैं, वो नुकसानात उसके मालो असबाब के लिहाज से भी हो सकते हैं, और वो नुकसानात उसकी सेहत के लिहाज से भी हो सकते हैं। बाज़ नज़रबद खूबसूरत इंसान को बदसूरत, बाज़ नज़रबद सेहतमंद इंसान को बीमार, बहुत ज़्यादा कमज़ोर भी बना देती हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग नज़रबद की वो अलामात बताएंगे जिसकी वजह से किसी इंसान की मौत भी वाकया हो सकती है, और अगर आप में ये अलामात मौजूद हों तो आप ये इलाज करें जो आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे। इंशाल्लाह आपकी गहरी से गहरी नज़रबद भी ख़त्म होगी और आप मज़ीद किसी भी तरह की नज़रबद से महफूज रहेंगे। कुरान पाक में भी नज़रबद के बारे में बहुत सारे इशारे मिलते हैं, जिसमें सूरह यूसुफ़ में हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का वाक़िया मिलता है, जब उन्होंने अपने वालिद यानी कि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को बताया कि मैंने ख्वाब देखा जिसमें 11 सितारे, चाँद और सूरज मुझे सजदा कर रहे हैं। तो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इस ख्वाब का जिक्र तुम किसी से मत करना, क्योंकि सुनने वाले तुमसे हसद कर सकते हैं और शैतान इंसान का खुला दुश्मन है। इसका जिक्र आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने कुछ यूँ किया कि शैतान इंसान के जिस्म में खून की तरह गर्दिश करता है और इंसान के दिल में हसद पैदा करता है। और अज़ीज़ दोस्तों, याद रखें, हसद नज़रबद की पहली सीढ़ी है। इसी तरह सूरह अल कलम में भी नज़रबद की तरफ इशारा मौजूद है, जो इशारा कुछ यूँ है कि जब कुफार को पता चला कि आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम पे कुरान पाक नाजिल होता है, क्योंकि बहुत सारे कुफार सरदार आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम से हसरत करते थे, उनका ये कहना था कि काश ये किताब हम पे नाजिल हो, काश ये ताकत, ये अहमियत, ये रुतबा हमें मिलता, जिसका इशारा सूरह अल कलम में अल्लाह पाक ने कुछ यूँ किया। और जब कुफार आपसे कुरान सुनते हैं तो ऐसा मालूम होता है कि माले गैज़ व गज़ब के आपको अपनी निगाहों से फिसला देंगे। उलमा इकराम का इसकी तफसीर में लिखना है कि अगर अल्लाह पाक आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की हिफाजत ना करते तो काफरों की हसद और हसरत नज़रबद बन के आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम पे वार करती और आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाती। इसके अलावा भी एक रिवायत मिलती है जिसमें जिब्राईल अलैहिस्सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के पास हाजिर हुए, इस हाल में कि आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम नज़रबद की वजह से कांप रहे थे। तो जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने कहा, बिस्मिल्लाहि अर्कीका मिन कुल्ली शैइन यूज़िका मिन हासदी हासिदिन व कुल्ली ऐनिल्लाहु यशफीका, अल्लाह के नाम के साथ मैं आप पे दम करता हूँ हर उस चीज़ से जो आपको अज़ियत देती है, हर हासिद के हसद से और हर नज़रे बद से, अल्लाह आपको शिफा दे। अब हम नज़रे बद की अलामात की बात करते हैं कि नज़रे बद की वो कौन सी अलामात हैं जिनके वजह से आपकी मौत भी वाकया हो सकती है। अचानक से दिल डूबने की कैफियत महसूस करना और ऐसा लगना कि आप मरने वाले हैं, जिस्म पे सुर्ख कलर के दाने या काले कलर के दाने या बगैर चोट लगे नीले कलर के निशान नज़र आ जाना, जिस्म पे बहुत ज़्यादा पसीना आना और हसूसी तौर पर यह पसीना चेहरे पे और कमर के निचले हिस्से में रहना, कंधों पे अचानक से दर्द शुरू हो जाना और यह दर्द आहिस्ता आहिस्ता आपकी बाजू और टांगों तक पहुँच जाना, हद से ज़्यादा पेशाब आना, कज़ाए हाजत के लिए बार बार जाना,
बेड से, चारपाई से, चेयर से या किसी भी जगह से उठते हुए अचानक चक्कर आ जाना, जबकि आपकी मेडिकल रिपोर्ट्स बिल्कुल क्लियर हों, जिस्म पे किसी चीज़ की हरकत महसूस करना, ऐसा लगना कि आपके जिस्म पे कोई चीज़ चल रही है या जिस्म में किसी चीज़ का चलना महसूस होना, पेट में कसरत से पेट में गैस बनना, और ऐसा लगना कि आपको उल्टी लगने वाली है जबकि आपको उल्टी ना लगे। अजीज़ दोस्तों, ये अलामत नज़र बद की हैं, और अगर आप में ये अलामत मौजूद हों और आपकी मेडिकल रिपोर्ट्स बिल्कुल क्लियर हों, तो आप समझ जाएं कि आप पे नज़र बद का असर मौजूद है और आपको इस इलाज की अशद ज़रूरत है। नज़र बद के इलाज के लिए आपने सुबह शाम 3-3 मरतबा सूरह फलक, सूरह नास और जिब्राईल अलैहिस्सलाम का दम 3-3 मरतबा पढ़ के अपने जिस्म पे थूथू करना है, या अपने दोनों हाथों पे थूथू कर लें और पूरे जिस्म पे फेर लें। अब थूथू से क्या मुराद है? वो फूक जिसके साथ थोड़ा सा लौब आए या नमी वाली फूक। याद रखें, ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम का तरीका था कि सूरह फलक और सूरह नास पढ़ने के बाद दोनों हाथों पर थूथू करके पूरे जिस्म पे वो हाथ फेर लेते थे। अजीज दोस्तों, ये अमल आप करके देखें, इंशाल्लाह अल्लाह पाक के हुक्म से बड़ी नज़र बद भी ख़त्म होगी, और जब आपकी नज़र बद ख़त्म होगी तब भी ये अमल जारी रखें, और अल्लाह पाक इंशाल्लाह आपको हर तरह की नज़र बद से महफूज रखेगा। अल्लाह पाक से दुआ है कि हम सबको अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखे और कश्मीर के भाइयों पर हसूसी रहम फरमाए और उनको आज़ादी की नेमत अता फरमाए। आमीन। अल्लाह हाफिज़। ऐ मालिक, हमारे उठे हुए इन गंदे हाथों की तरफ न देख, मालिक अपना रहम और अपना करम फरमा, मकबूजा कश्मीर के मुसलमानों को आज़ादी की नेमत से मालामाल फरमा। ऐ अल्लाह, इस हाल के अंदर जबकि उन पर जुल्म और सितम हो रहे हैं, इस कदर उन पर मसायब और अलाम हैं, ऐ मालिक ओ मौला, इस माह मुकद्दस की मुकद्दस घड़ियों का सदका, ऐ अल्लाह, कश्मीर के मुसलमानों को आज़ादी की नेमत से मालामाल फरमा। ऐ मालिक, जो उन पर मसायब और अलाम बारिश की तरह बरस रहे हैं, ऐ मालिक, तो अपना हास फजल और अपना कर्म फरमा, उनकी इस आजमाइश को, इस इम्तहान के अंदर उनको कामयाब फरमा, उनकी इस आजमाइश को दूर फरमा। ऐ मालिक ओ मौला, अपना कर्म फरमा, उनको आज़ादी की नेमत से मालामाल फरमा। ऐ मालिक, हम गुनहगार से आकार जो भी हैं, तेरे महबूब की उम्मती हैं, तुझे तेरे नबी अलैहिस्सलाम का, उसकी महबूबियत का वास्ता देकर तुझसे दुआ मांगते हैं। ऐ मालिक, कश्मीर के मुसलमानों को आज़ादी की नेमत से मालामाल फरमा। ऐ मालिक, मुल्क पाकिस्तान को इस्तेहकाम अता फरमा, मुल्क पाकिस्तान की सरहदों की खैर फरमा, मुल्क पाकिस्तान की सरहदों पर पैरा देने वाले नौजवानों को इलाहुल आलमीन हिम्मत और हौसला अता फरमा, मुल्क पाकिस्तान और दुनिया के अंदर इस्लामी ममलकत के जितने भी हुक्मरान हैं, ऐ मालिक, उनको शर्म व हया अता फरमा, ऐ मालिक, उनको कुफार की आंखों में आंखें डालकर बात करने का हौसला और हिम्मत अता फरमा, ऐ मालिक मौला, इस्लामी मुल्कों को इकट्ठे होकर, ऐ मालिक मौला, कश्मीर की सलामती के लिए, हक हुदरादियत के लिए आवाज उठाने की तौफीक अता फरमा। اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم।